हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद पूनम एंड व्लॉग्स। तो कैसे हैं दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपके साथ ये जो रोज़ है, जो विंटर का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, इसके बारे में बात करूंगी। फ्रेंड्स, पूरी फुल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी इस रोज़ के बारे में कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या कदम उठाना है आपको अक्टूबर के मंथ में, जिससे आप पूरे विंटर भर इस प्लांट से फ्लावरिंग पाते रहें। दोस्तों आपको ढेरों भर भर के फ्लावर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आपके साथ स्टेप बाय स्टेप, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, अपनी वीडियो को कॉम्पैक्ट फॉर्म में कोशिश करूंगी पूरा करने की। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको पता है अक्टूबर का मंथ आधा करीबन बीत चुका है, तो इस टाइम पे आपको नवंबर आने से पहले ये काम गुलाब के साथ कर लेना है, जिससे आपको क्या है, पूरे विंटर में आपको अच्छे से फ्लावरिंग मिलेगी। दोस्तों तो चलिए हम सबसे पहला स्टेप आपको बताती हूँ। आपको पता है रेनी सीज़न चला गया है, बरसात जाने की वजह से क्या होता है, पॉट के पूरे न्यूट्रिशन चले जाते हैं बरसात में, क्योंकि पॉट हमारा बाहर रहता है, जिसकी वजह से जो हमने पानी गमलों में खाद पानी दिया होता है सब चला जाता है। तो इसलिए अब इस टाइम पर, क्योंकि आपको पता है कि ये सर्दियों में फ्लावरिंग करता है, तो इसलिए हमें इस पर अभी मेहनत करनी है, काम करना है, क्योंकि यही टाइम है जिसकी वजह से हमें क्या है, इसमें फूल मिलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमें काम करना होता है, देखिए इसकी हमें सारी कटिंग करनी होती है, जो भी इसमें सूखे पत्ते हैं, टहनियां हैं, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इसकी जितनी भी सूखी टहनियां होती हैं ना, जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है ये पत्ता है, ये सूखा है, इसको हमें हटा देने हैं। दोस्तों तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो हमारे प्लांट में इस तरह के सूखे पत्ते, टहनियाँ कोई भी होंगी, जहाँ से हमें पता लग रहा है कि हमारा प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी, तो ये हटानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये दिख रहा है दोस्तों कि ये अब आगे यहाँ से बढ़ेगा नहीं, तो मुझे इसको यहाँ से क्या करनी है, इसकी डेड हेडिंग यहाँ से कटिंग कर देनी है। इस तरह के आपको अपने प्लांट को ऑब्ज़र्व करना है, जो भी ये सूखी टहनियाँ हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर इसको हमें काट देनी है यहीं से, क्योंकि ये आगे ग्रोथ नहीं करेगी और ये धीरे धीरे करके हमारे प्लांट को सुखाएगी। तो ये सब हमें पहला स्टेप में ये काम करना है दोस्तों, अपने प्लांट में देखना है कौन कौन सी सूखी टहनियाँ हैं, ये सब हटा देनी है। देखिए देखो इस तरह की, और जो आपको इसमें दिख रहे होंगे फूल खिल के, जैसे ये सूख चुका है, तो इसको भी हमें यहाँ से इसकी सॉफ्ट प्रोनिंग टाइप की कर देनी है, जिससे यहाँ से क्या है, मल्टी ब्रांचेस आएंगी। दोस्तों तो इस तरह की आप करिए फर्स्ट स्टेप में। तो ये हमने कर दिया है सारा, देख सकते हैं आप इसमें कितने सुंदर फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए आपको दिख रहा है फ्लावर मेरा, ये देखिए, ये है मेरे पास 5-6 कलर हैं दोस्तों। ये येलो कलर है, आप देख सकते हैं, ये देखिए येलो है, तो ये लेकिन अब ये कैसे ख़राब हो गया आपको दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इस ख़राब फूल का लालच नहीं रखूँगी और सबसे पहले इसको यहाँ से ट्रिमिंग कर दूँगी, ये कटिंग ज़रूरी है, ये सूखे पत्ते हैं ये सब हटा दूँगी। तो देखिए यहाँ से मेरे इस प्लांट में मैंने, वैसे मैं इसमें सारी कर चुकी हूँ दोस्तों पहले से, लेकिन मैंने एक टहनी इसीलिए बचाई थी कि मैं आपको दिखा सकूँ। अब देखिए जैसे इसमें भर भर के फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों, तो ऐसे फ्लावरिंग के लिए हमें क्या करना है, अपने प्लांट में ये काम सारे करने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने प्लांट में कर चुकी हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसकी मैंने पूरी प्रूनिंग कर दी है अपने प्लांट की, लेकिन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों ने ये काम नहीं किया है तो आप लोग भी ये काम कर सकें, इसीलिए क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ से इसकी ब्रांचिंग वो करेंगे, कटिंग करेंगे, तो यहाँ से इसके नीचे से इसके क्या होगा, मल्टीपल ब्रांचेस आएंगे, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा हमें फ्लावर मिलेंगे दोस्तों। तो ये सब काम हमें कर लेने हैं। मैं अपने प्लांट में देखिए आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने 3-4 रखे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इस प्लांट की भी मैं सारी कटिंग कर चुकी हूँ और आपको दिख रहा होगा नए नए बर्ड्स इसमें नए आ रहे हैं, कॉम्प्ले देखिए ये सब आने लग गए हैं। तो ये मेरा पिंक रोज़ है और ये छोटा सा पिंक है, इसमें छोटे छोटे आते हैं, तो ये सब मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में हमने कटिंग करना है, जितना भी घास वो पत्ते सूखे पत्ते हमारे उसमें पड़ा है प्लांटर में, तो ये सब हमें निकालने हैं दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब उसके बाद हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है फ्रेंड, सेकेंड स्टेप में हमें अपने इसकी सबसे पहले खुदाई करनी है, क्योंकि खोदना बहुत ज़रूरी है, जितने उससे हम खोदेंगे तो हमारा क्या है, प्लांटर की ये इस तरह से खोद के, ये देखिए पानी नहीं देना है, एक दिन जैसे मॉर्निंग में आप खोद के छोड़ दीजिए सॉइल को, खोदेंगे जितना उतना क्या है वो मिट्टी सूखेगी, तो उतने अच्छे से वो जो हम खाद पानी देंगे इसको, ट्रीटमेंट इसके साथ करेंगे, तो वो उसके साथ उतना अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा प्लांट। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसकी खुदाई करूँगी और खुदाई करके
थोड़ी थोड़ी इसका ये इस तरह से सॉइल जो ओवर सॉइल हो रखी है वो निकाल दूंगी दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें फिर खाद पानी दूंगी तो फिर उसके बाद सॉइल ऊपर से आएगी। तो सेकंड स्टेप ये काम हमें करना है। नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है, जितना भी काटा हुआ हिस्सा होता है उसमें थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा दीजिए, जिससे क्या है फंगस ना लगे उसमें। तो आप जितना भी काटे हुए हिस्से होते हैं उनमें हल्दी लगाइए। और नेक्स्ट स्टेप में जो होता है थर्ड स्टेप की बात करें हम, तो थर्ड स्टेप में दोस्तों थोड़ी थोड़ी हल्दी, क्योंकि ये नेचुरल हमारा ये फंगीसाइड होता है, तो ये सब प्लांटर्स में थोड़ी थोड़ी डाल दीजिए, जिससे क्या है कि आपके उसमें फंगस ना लगे और ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, और साथ में आपके पास क्या है ये प्लांट को आपके सेफ भी रखेगा, एज अ खाद की तरह भी काम करेगा ये। तो इस तरह से आपको हर प्लांटर के नीचे पे सबसे पहले थोड़ा थोड़ा हल्दी डाल देनी है दोस्तों, जिससे अगर कोई फंगस अटैक करे। वैसे मैं अपने प्लांटर में ये काम कर चुकी हूँ दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं बाकी के प्लांटर्स में सब मैं ये काम कर चुकी हूँ। ये हल्दी डाल दी आपने, अब हल्दी डालने के उस बाद क्या करना है आपको, देखिए हर प्लांटर के जो टिप होते हैं ना उसमें क्या करिए आप थोड़ी थोड़ी हल्दी गीली करके और हल्दी लगा दीजिए उसमें, तो उससे भी वो आपका प्लांट ख़राब नहीं होता। तो ये हमने थर्ड स्टेप हमने कर लिया, हल्दी डाल दी है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, देखिए मैंने इस तरह से आपको अपने प्लांटर की खाद निकाल देनी है, किनारे से पूरी सॉइल इस तरह से निकालिए, क्योंकि हमें अब इसके बाद इसको क्या देना है, खाद देनी है। तो मेरे पास तो फ्रेंड्स अपनी ये बनवा रखी है, जो है हमारी काउडंग मैन्योर है वही मैं अपने इसमें डालती हूँ। तो एक एक मुट्ठी आप क्या करिए, देखिए इस तरह से लीजिए और अपने प्लांटर में हर एक प्लांटर के उसमें डाल दीजिए। तो मैं इस तरह से सब प्लांटर में डालती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरी इस प्लांटर की देखिए रूट्स दिखने लग गई हैं। तो हमें रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना दोस्तों, हमें किनारे पे ये काम करना है, रूट्स को नहीं छेड़ना है किसी भी हालत में। तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी दोस्तों, आपको पता है जो जितने भी ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनको एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होता है। तो आप क्या करेंगे इसमें एसिडिक सॉइल के लिए थोड़ा सा, आप देखिए मैं आपको दोनों ट्रीटमेंट बता रही हूँ। एक होता है चाय पत्ती दोस्तों, ये देखिए जैसे मैं अपने गार्डन की चाय पत्ती है, ये यूज़ चाय पत्ती है जिसको मैंने सुखा के अलग से धुल के सुखा के रखा है दोस्तों। तो आप भी यूज़ करिएगा, ये एसिडिक नेचर की होती है, सॉइल को एसिडिक बनाता है, क्योंकि इनको जो होता है एसिडिक सॉइल पसंद है। तो मैं क्या करूँगी एक एक मिट्टी सब में डाल दूँगी दोस्तों, ये देखिए इसमें चारों तरफ से, क्योंकि ये आपकी यूज़ चाय पत्ती है। और अगर आप यूज़ चाय पत्ती नहीं यूज़ करते हैं, अनयूज़ करते हैं, तो आपके पास दो चम्मच बहुत है एक प्लांटर के लिए। तो मैं तो यूज़ चाय पत्ती यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसलिए एक एक मिट्टी सभी प्लांटर्स में डाल रही हूँ दोस्तों। इसके बाद आप लोग दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये चाय पत्ती क्या करेगी, इसको एसिडिक सॉइल प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से आपके प्लांट हेल्दी होगा, रूट्स के थ्रू उनको एसिडिक वो मिलेगा नेचर, जिससे क्या है आपके पास ढेरों भर भर के फ्लावरिंग होगी दोस्तों। तो इस तरह के आप सब प्लांटर्स में डालिए एक एक मुट्ठी खाद ये वाली, देखिए सब में मैंने डाल दी है स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है दोस्तों, देखिए एक चीज़ और बताती हूँ आपको, अगर आप चाय पत्ती कम यूज़ करते हैं तो एक चीज़ और है हमारे पास है, ये देखिए कॉफ़ी, आपके पास देखा होगा आपने 2 रुपये का 5 रुपये का अलग से पाउचेज आते हैं, तो आप अपने प्लांटर के अकॉर्डिंग ये पाउच खरीद सकते हैं। देखिए कॉफ़ी है, कॉफ़ी एसिडिक नेचर की होती है दोस्तों, और ये आपके प्लांट को बेस्ट से बेस्ट एसिडिक बनाती है, जिससे आपके प्लांट में खूब सारी फ्लावरिंग होती है। तो इसका रिजल्ट भी मैं आपको शो करूंगी दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं इसके बाद अपने प्लांटर में एक एक चम्मच सभी में ये डाल दीजिए। आप इसे ड्राई फॉर्म में भी डाल सकते हैं, आप इसे लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। ऐसी आप चाय पत्ती को लिक्विड फॉर्म में भी बनाइए, चाय 24 घंटे के लिए भिगा के रखिए, और भिगाने के बाद उसे क्या करिए अच्छे से उसको उसमें सॉइल में डाल दीजिए लिक्विड फॉर्म में। उससे भी आपका प्लांटर में क्या है बेनिफिट मिलेगा प्लांट को आपके। तो और या तो आप जैसे आपको ऑर्गेनिक में आप यूज़ करना चाहें तो आलू और जो प्याज के छिलके होते हैं फ्रेंड्स, उसमें भी आपके पास काफ़ी मात्रा में आपको पोटाश मिलता है, तो आप उनको भी भिगा के और 24 घंटे के लिए भिगा के रखिए और अपने प्लांटर में डाल दीजिए। उससे भी आपका प्लांट क्या आता है काफ़ी हेल्दी ग्रो करेगा, और जिससे आपके प्लांट में क्या होगा अच्छे से भर भर के फ्लावरिंग होगी दोस्तों। तो मैंने तो ये काम कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए, देखिए आपको इसमें थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने हल्दी पहले की लगा रखी थी, तो ये काम मैं पहले से कर चुकी हूँ दोस्तों। तो लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ये शेयर किया, क्योंकि मैं अक्टूबर में जैसी मैं खाद डालती हूँ, कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में गौर किया होगा, पर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैंने ये बनाई है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना दोस्तों, और
प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों मेरी वीडियो को, क्योंकि बीच में भी हम लोग काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होती है दोस्तों। तो आप भी अगर चाहते हो कि भर भर के आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो तो आप ये काम ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद रिज़ल्ट देखिएगा कि वाकई में आपको ये रिज़ल्ट मिला है कि नहीं मिला है दोस्तों। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय फ्रेंड्स। लास्ट में फ्रेंड्स एक बार पानी ज़रूर देना है, हमें पानी देना ज़रूरी है इस तरह से, और कोशिश कीजिए आप विंटर्स में पानी देने का काम मॉर्निंग में करें तो ज़्यादा बेटर है। पानी बहुत आराम से देना है कि कहीं से मिट्टी बाहर ना निकले और ढंग से आराम से सॉइल जितना सोख सके।